ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਸਾਡਾ ਕੱਢਦਾ ਏ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗੋਰੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਜਬ ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ ਮੇ ਥਾ तो अब्बा जान ने मुझे कंप्यूटर लेकर दिया था जो मैंने तकरीबन 2-3 माह ही चलाया होगा मुश्किल से, बाद में रख दिया। अब दोबारा देखते हैं उसको री इंस्टॉल करके चलता है कि नहीं। वो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान पड़ा होता है, ये देखें आप इधर, ये इधर हमारा सारा कंप्यूटर का पुर्जे पड़े हुए हैं। अब इनको दोबारा जोड़ कर देखते हैं चलते हैं कि नहीं। पहले हम इसको बाहर निकालते हैं, इसको रखते हैं इधर, ये रही। ये इसका कीबोर्ड रहा और ये साथ माउस। इसके बाद ये इसकी कुछ केबल्स हैं, सबको जोड़ेंगे देखते हैं चलता है कि नहीं। बस यही है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं, यही है। दोस्तों हम यहाँ पर अपना कंप्यूटर रखेंगे, मैं उस कमरे से यहाँ पर कंप्यूटर ले आता हूँ, तो इधर इंस्टॉल करते हैं इसको। कंप्यूटर तो चला नहीं, पता नहीं क्या वजह है उसे, काफ़ी देर बाद चलाया था हमने। अब हमारे घर के साथ ही कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उसे दिखाते हैं, उससे फिर पूछेंगे इसे क्या मसला है। 15 minutes later तो कंप्यूटर वाले भाई के पास गया था, उसे चेक करवाया है, तो हार्ड डिस्क का, ये देखें हार्ड डिस्क का मसला है, ये ख़राब हो गई है। अब तलहा भाई जाएँगे, वो उधर नहीं लेकर आएँगे, फिर चेक करेंगे कंप्यूटर चलता है कि नहीं। अभी तो धूप है, जब धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी फिर वो जाएंगे, तो लेकर आएंगे फिर देखेंगे कंप्यूटर चलता है कि नहीं। जी तो मैं अभी हवेली में आया था, तो वो भाईजान कह रहे हैं मेरी भी वीडियो बनाओ। किधर जा रहे हैं अब आप भाई? भी काम करने लगे, ऐसा कुछ आ रहा ज्यादा है। और गाना तो सुना दे, गाना सुना दे यार, गाना सुना। अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो वे देख रहे हैं महबूब शिका साहब ते महबूब अक्का साहब, ये मेरे कोल खला गुजर कंपनी, इन्हां दी जी फैक्ट्री है दुई कपड़े वाली। गाना तो सुना दे, गाना सुना देना सारी जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो सेंड कर दे हां जनाब, गाना सुना दे, गाना सुनाते हैं, सुना दे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम तार छड़ी हुन गाना सुना, नहीं मोड़े भी सुना, चल सुना। तेरी खाड़ी उत्ते तिल साडा कढ़दा ऐ दिल सानू खाबां विच मिल गोरीए ते असां केड़ा रोज मिलना है तेरे पैरां विच बूट साडा आखरी सलूट गोरीए ते असां केड़ा रोज मिलना है। अगे
असि पांजे हां मेरा यारी इक नाल ला गोरिए ते असा केड़ा रोज मिलना तेरी खाड़ी उत्ते तेल साडा कढ़दा ए देल सानू खाबा विच मेल गोरिए ते असा केड़ा रोज। चौरी साहब आ गुजर साहब गाना सुना रहे हैं, होर कोई नहीं आंदा, होर कोई नहीं आंदा, लो ये गाना सानू सुनाता। हां सलाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपने गाना तो सुन ही लिया होगा, ये देखें दीवार के उस साइड पे लगी हुई है सब्जी माशाल्लाह। ये देखें ये घी है क्या, बेल है, ये लगे भी होंगे छोटे छोटे। ये देखें इधर ये एक लगा हुआ है छोटा सा, ये देखें और भी लगे हुए हैं छोटे छोटे से, और वो वाले सामने वो मिर्चों के मिर्चें लगी हुई हैं, और ये दीवार पे देखें बेल तोरी की बेल चढ़ी हुई है, ये एक बेल तोरी भी लगी हुई है, ये देखें, और ये वाला जो आप सामने दरख्त देख रहे हैं ना, ये जापानी फल का दरख्त है, वो खजूर का दरख्त, इसी तरह वो सामने हल्दी लगी हुई है, तो ये इधर हमने सब्जी लगाई हुई है, वो देखें एक थोड़ा सा बड़ा सा लगा हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये देखें। तो सब्जी हम इधर से ही तकरीबन पकती है घर में, ये देखें माशाल्लाह कितने दरख्त लगे हुए हैं जी। तो दोस्तों अभी मैं सब्जी वाली जगह में आ चुका हूँ, मैंने कहा क्यों ना आपको करीब से दिखाऊं। ये देखें माशाल्लाह बैंगन लगी हुई है, और ये नींबू लगे हैं, ये देखें, और ये वाला दरख्त अनार का दरख्त है माशाल्लाह, बहुत अनार लगते हैं इस पे। दोस्तों ये वाला दरख्त आड़ू का दरख्त है, ये देख सकते हैं आप, अभी इस पे आड़ू नहीं लगते, ये देखें कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं इधर, और इधर कुछ खजूर के दरख्त काट भी दिए हैं, ये देखें वो उधर जानवर बांधे हुए हैं कुछ। इधर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, और छांव भी इतनी ज़्यादा है ना कि यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। और ये देखें फूलों के पौधे, एक दो फूल लगे हुए हैं, ये इधर भी कुछ अभी सूख चुके हैं, अभी फूल लगेंगे इन पर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।